हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरा नींबू का पौधा है, देख पा रहे होंगे कितने मात्रा में नींबू पकड़ा हुआ है। चारों तरफ आप देखिए, बहुत सारे नींबू पकड़ा हुआ है। देखिए, ये कुछ मैच्योर अवस्था में, ये बारहमासी नींबू का वैरायटी है, देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नींबू के पौधे को या कोई भी साइट्रस के पौधे को कैसे आप अच्छी तरीके से सक्सेसिवली प्रोपागेट कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस में एयर लेयरिंग के ऊपर, लेमन प्लांट का एयर लेयरिंग के ऊपर दिखाने वाला हूँ। कैसे करने से सारा प्लांट आपका सक्सेस होगा, पूरा प्रोसेस आप देखिए पूरा एंड तक। और जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये पहले आपको ये देख पा रहे होंगे नोट्स सारे, ये जहाँ से हमारा एक्चुअली रूट्स सारे निकलते हैं नोट्स से ही। तो यहाँ पर एक ठो दो ठो सर्कुलर कट लगाना है। कोई भी पौधा हो, उसका एयर लेयरिंग, कंटैक्ट ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग करने का सबसे बेस्ट सीजन होता है मानसून सीजन, जो कि हमारा जून से लेकर लगभग सितंबर मिड तक ही बहुत ही अच्छा होता है। एक इंच के डिस्टेंस में दूसरा कट लगाना है। मैं ये दोनों कट यहाँ पर सर्कुलर बार कट लगाया हूँ, दो लगभग एक इंच के डिस्टेंस पर। उसके बाद एक ठो पूरा स्ट्रेट कट लगाना है, जैसे कि हमारा बार आसानी से निकल जाए। देखिए, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा नींबू का जो होता है। ये नींबू का बहुत ही आराम से ये निकल जाता है, सिर्फ कट अच्छा होना चाहिए और जिसमें भी कट लगा रहे हैं वो बहुत ही शार्प होना चाहिए। देखिए कितने आसान से, ये देखिए पूरा आपका निकल गया। एक ठो नोड यहाँ पर रहा हुआ है, ये नोड से ही एक्चुअली आपका रूट्स सारे निकलते हैं, इसलिए एक ठो नोट्स जरूर लीजिए। कितने सुंदर से ये कट लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कट लगा है उसको अच्छी तरीके से थोड़ा घिसना है। जो ऊपर में कट लगाने के बार्क निकालने के बाद आपका एक ठो जेली जैसा लेयर होगा, वो जेली जैसा लेयर को आपको थोड़ा घिस के थोड़ा सूखा जैसे लेयर आ जाए उस तक घिसना है। ये देख पा रहे होंगे, मैं तो लगभग पेंसिल के मोटाई जितना ब्रांच में कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मत घिसिएगा नहीं तो ब्रांच सूख जाएगा और मरने का बहुत ज़्यादा चांस है फेल होने का। देखिए, मैं पूरा घिस के थोड़ा इसका कुछ देख पा रहे होंगे, पूरा सूखा सूखा जैसे लेयर आ गया है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से घिस दिया हूँ, ज़्यादा घिसना नहीं है, बहुत ही हल्का से घिसना है, देख पा रहे होंगे। अभी मैं उसके बाद दिखाता हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, ये देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में, ये एलोवेरा का पौधे का एक ठो टुकड़ा है। यहाँ पर जो घिसा हुआ जगह पर जहाँ से आप बार्क निकाले हैं, वहाँ पर यह एलोवेरा जो जेल होता है, ये देखिए यह एलोवेरा का जेल है, अच्छी तरीके से लेप लगाना है। इससे लगाने से ये एक रूटिंग हार्मोन के जैसा काम करता है और ये एक फंगीसाइड के तौर पर भी काम करता है। ये एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन, बहुत ही अच्छा एक हार्मोन है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए आप केमिकल के बदले। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन केमिकल का है तो उसको भी लेप लगा सकते हैं, नहीं तो टर्मेरिक पाउडर, जो हल्दी का पाउडर अगर अवेलेबल होगा तो उस पे ऊपर टर्मेरिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। पूरा नोट पर जहाँ तक आपका मिट्टी के अंदर रहने वाला है, पूरा अच्छे से लेप लगा दीजिए। देख पा रहे होंगे, मैं अच्छे से लेप लगा दिया हूँ। उसके बाद आपको एक ठो ऐसे पन्नी लेना है, यहाँ पर पहले एक
प्लास्टिक पन्नी इसके नीचे वाला पोर्शन में अच्छे तरीके से टाइट करके बांध लेता हूँ। मैं अच्छे से ये पन्नी को इसके नीचे बांध दिया हूँ। इसके बाद इस तरह से आपको मिट्टी सॉइल मीडिया लेना है। इसमें 70-60% के आसपास आपको गार्डन सॉइल लेना है, पूरा हल्का वाला जो गार्डन सॉइल होता है। उसके साथ 40% आपको कोकोपीट मिलाना है, मॉइस्चर उसके अंदर बना रहने के लिए कोकोपीट मिलाइए। और जो मीडिया आप ले रहे हैं उसको पूरी तरीके से गीला करके लीजिए। थोड़ा वाटर अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि वो हम अच्छे से अगर वाटर देकर टाइट करके बांध देंगे तो उसके अंदर अच्छे से मॉइस्चर बना रहेगा। तो दोस्तों पहले आप ऐसे बॉईल कर दीजिए। आपको ये जो मिट्टी लेकर अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको, ये मिट्टी को चारों तरफ से अच्छे से सिमिलरली चारों तरफ दे देना है, जिससे रूट स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो सके चारों तरफ ली। उसके बाद इसको टाइट करके बांध देना है। टाइट करके बांध दिया हूँ इसको, देख पा रहेंगे ये कंप्लीट हो गया है। ये पूरा प्रोसेस रूट स्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए लगभग 70-80 दिन लगेगा। मैं इसलिए व्हाइट पन्नी के माध्यम से किया हूँ। ये पूरा व्हाइट पन्नी के माध्यम से करने से क्या होता है कि रूट स्ट्रक्चर अच्छे से हमको दिखाई देता है, व्हाइट कलर का रूट्स। जब व्हाइट कलर का रूट्स अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो जाए, रूट बाउंड हो जाए, तब इसको हम काट के आपको दिखाएंगे।